यीशु मसीह के नाम से सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। फिर से हमारे जीवन में, सबके जीवन में एक और दिन प्रभु ने जोड़ा है। धन्यवाद करती हूँ हर बात के लिए जो परमेश्वर कर चुका है, कर रहे हैं और करने वाला, उन सब बातों के लिए। और सब जो टीम जो हमारे साथ आप ये कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में सहायता करते हैं, उन सब के लिए प्रभु की तरफ से धन्यवाद। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे सृष्टि का मालिक है। दूसरा कुरिन्थियों 3:5 में लिखा है प्रभु, हमारी योग्यता नहीं वरन आपके योग्यता के द्वारा हम संपूर्ण होते हैं प्रभु। इसलिए आपके योग्यता के द्वारा यहाँ हम खड़े हैं और प्रभु जो हमने तैयार किया उस मैसेज के ऊपर आप अपने पवित्र लहू का छापा लगाएंगे और प्रभु और जो भूलने वाले मुझको और सुनने और देखने वाले दर्शकों को सबको प्रभु यीशु के चरणों में आप आशीषित करेंगे और हम आत्मिक उन्नति करेंगे। इसलिए हम धन्यवाद, दिल से पहले से हम धन्यवाद दे रहे हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो मैंने विषय लिया है कि एक दिन मैं सो रही थी तो सुबह उठते समय एक ऐसे आवाज़ जैसे मैंने सुना कि हेवनली पोर्टल्स, पोर्टल करके जो वर्ड जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा था और उसका हिंदी का अनुवाद भी मुझे सही से नहीं मिल रहे थे, तो फिर उसी का लगभग सेम मीनिंग है कि ओपन हेवन। आज हम जो देख रहे बाइबल से ये जो विषय है ओपन हेवन, खुला स्वर्ग, इसी के बारे में आज हम देखेंगे। मसीह का जीवन में खुला स्वर्ग मतलब क्या होता है और बाइबल में खुला स्वर्ग को कौन कौन अनुभव किया है और हम अपने मसीह जीवन में ये खुला स्वर्ग को कैसे अनुभव कर सकते हैं। जल्दी से मैं वचन से बहुत सारे वचन बोलूँगी, इसलिए आप बाइबल और नोटबुक लेके अच्छी तरह सीखिएगा और आप भी खुला स्वर्ग में ऑपरेट करेंगे और परमेश्वर की आशीषों का वारिस ठहरेंगे। कि सबसे पहले खुला स्वर्ग क्या होता है, ये मेरा भी एक नई टॉपिक है, मैंने सीखा है, आपको भी सिखा रही हूँ। एसिकेल नबी है, मेजर प्रॉफिट है। एसिकेल 1:1 में हम पढ़ते हैं, तीसरे वर्ष 4वें महीने 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाया। एसिकेल कह रहे हैं कि वो जो चाहे वो कैप्टिविटी में, गुलामी में थे बेबीलोन में, इजरायली लोग गुलामी में चले गए 70 साल, 70 ईयर्स, आपको पता है उस समय में भी एसिकेल यहाँ खुला स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग खुलते हुए देखा है और आकाश मंडल, मैं एसिकेल 1:26-28 तक पढ़ रही हूँ, जो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उनके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था, इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलका हुआ पीतल का दिखाई पड़ा और उनके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई देती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर में भी मुझे आग ही दिखाई देती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर, ये जो एसिकेल नबी जो है, खुला स्वर्ग देखा है और स्वर्ग में यीशु मसीह को देखा है, उसका दर्शन देखा है और उनका जो वर्णन कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी परमेश्वर का दर्शन को खोजी करिए और फिर आपको ज़रूर परमेश्वर दर्शन देंगे। खुला स्वर्ग कितना अच्छा लगेगा कि हम पृथ्वी में रह के भी हम जो स्वर्गलोक का अनुभव कर सकते हैं। कि एक बार यीशु मसीह जो नेथेनियल करके एक था, जो फिलिप का दोस्त था, उसे ये बातचीत कर रहे थे, John 1:50-51 मैं पढ़ रही हूँ। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैंने तुझे कहा कि मैंने तुझे अंजीर का पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखोगे।
फिर उसने कहा, तुमसे सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखेंगे। हालेलुया। यानी कि नथानियल को यीशु मसीह कह रहे, तुम छोटी सी बात जो मैंने बोला इससे अचंबा हो रहे, अभी आने वाले समय में तू और भी बड़े बड़े बातें देखोगे। क्या देखोगे? स्वर्ग खोलते हुए और स्वर्ग ऊपर से नीचे आते हुए और यीशु मसीह के ऊपर उतरते हुए अब बहुत सारे अद्भुत दर्शन को देखोगे। ये तो जो तुमने जो देखा है सुना है ये बहुत छोटी सी बात है, ऐसे करके नथानियल को यीशु मसीह कह रहे थे। और फिर हम इसी तरह से एक और व्यक्ति है बाइबल में, याकूब। आप सबको पता है ये उत्पत्ति का 28 में 12 एक वचन, मैं सिर्फ समय के कारण एक पढ़ रही हूँ। याकूब जब वो लाबान करके अपने मामा की घर जा रहे थे, रास्ते में उसने एक पत्थर को सराना बना के वो सो रहे थे और फिर वहाँ पे उसने ऐसे देखा स्वर खुलते हुए। जेनेसिस 28 का 12 पढ़ रहे, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। हालेलुया। यानी कि याकूब जो है खुला स्वर्ग को देखा। कैसे पता खुला स्वर्ग? एक पृथ्वी और आसमान से एक सीढ़ी है और वो सीढ़ी से स्वर्गदूत आ रहे और जा रहे, ऐसे उसने स्वप्न में देखा है। ऐसे खुला स्वर्ग को, इसी तरह से खुला स्वर्ग का अनुभव हम भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा बाइबल में देखेंगे कि खुला स्वर्ग का फायदे क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होता है। और उसे पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, मलाकी 3:10-12 में लिखा, सारे दशवा अंश। देखिए खुला स्वर्ग कैसे आता है हमारे जीवन में, ओबीडियंस के द्वारा। ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता किस किस क्षेत्र में? कई क्षेत्र में हमें आज्ञाकारिता दिखाना है और एक क्षेत्र है हम दशवा अंश देने में आज्ञाकारी, कलिसिया जाने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, ये सारे बातें आज्ञाकारिता में आता है। और एक वचन मैं पढ़ रही हूँ, मलाकी 3:10-12 पढ़ रही हूँ, सारे दशवांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसे करके मुझे परख के देखो, आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसे गुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चा ना गिरेंगे, सेनाओं का यहोवा की यही वचन है। तब सारे जातियां तुम्हें धन्य कहेंगे क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। देखिए और एक वचन है व्यवस्था विवरण 28:12-13। देखिए हम मेहनत करते हैं ना, परमेश्वर उस मेहनत में आशीष देगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरे जातियों को उद्धार देगा परंतु किसी से उद्धार लेना ना पड़ेगा। यहोवा तुझे पूछ नहीं सिर ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को जो आज मैंने तुमको सुनाता हूँ उन पर मनन करो, लगातार चौकसी करो, तो ये सब बातें होगा। हालेलुया। यानी कि हमको दशवांश देना है और मेहनत करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, फिर हम खुला स्वर को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। और नीति वचन 29:18 में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती लोग निरंकुश हो जाते परंतु व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। यानी कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, वचन के आधार पर अपने जीवन को बना के चलना, ये उनका दर्शन को पाकर चलना, फिर ये हमें आशीष को लाता है, वरना क्या होता है उनका विपरीत होता है। कुछ लोग जो खुला स्वर को कैसे अनुभव किया बाइबल में, कि खुला स्वर्ग में फायदे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं जो कुछ लोग जो खुला स्वर्ग को एक दर्शन पाके क्या क्या किया। ये नथानियल को मैंने ऑलरेडी बताया,
कि किस तरह से यीशु मसीह ने बताया कि तू छोटी सी देखा, अभी बड़ा सा बातों को देखोगे, खुला स्वर्ग देखोगे, स्वर्ग में स्वर्गदूत आते जाते और परमेश्वर का पुत्र में आते देखोगे, ये सारे बातें उसने कहा। और फिर मूसा ने देखा, एक बार मूसा निर्गमन 3:1-3 में पढ़ रही हूँ, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियाँ चरा था और उन्हें जंगल में पश्चिमी और होरोब नामक परमेश्वर के पर्वत पास ले गया और वहाँ पे अपने ससुर जी का जो भेड़ बकरी चराते एक पर्वत में मूसा ले गया और वहाँ पे क्या देखा, परमेश्वर का दूत ने एक काटली झाड़ी के बीच में आग की लो में से दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने कहा कि मैं इधर उधर जाकर इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि वहाँ झाड़ी क्यों नहीं जलती है। देखिए परमेश्वर, आपको पता है मूसा कैसे काम किया, इसराइलियों को मिस्र से बाहर लाने का छुटकारा का काम किया, आप सबको पता है वो उनको दर्शन पाके ही इतना बड़ा काम को वो करने पाया था। इसी तरह से शद्रक मेशक अबेदनेको को जब सामने नहीं झुका तो नबुकदनेस्सर ने उसे आग की बट्टी में डाला, तो उसने जो लोग देख रहे थे वो 4 लोग को देख रहे थे, कितने लोग को देख रहे थे, 3 लोग को डाला तो वहाँ पे 4 लोग को देख रहे। दानियल 3:24-25 में पढ़ रहे हैं, तब नबुकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराहट उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डाले? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बताते हैं। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि नहीं पहुंची और 4th पुरुष स्वरूप परमेश्वर का पुत्र सादृश्य है। हालेलुया। यानी कि मतलब क्या है, दर्शन पाने से आपके दुख भी सुख में बदल जाएगा। वहाँ आग बटी में डाला है, वहाँ 3 लोग को डाला तो 4 लोग घूम रहे और उनका कुछ भी जला नहीं है, उनका बाल भी, इनका कपड़े भी, कुछ भी नहीं जला, ऐसे पार्क में जैसे वो टहल रहे और ये राजा जिसने वो आग में डाला ऐसे देख रहे हैं। दे आज भी आपको जो सताने वाले वो आपके जीवन में देखेंगे क्योंकि आपका दर्शन है और वो जो सताना चाहते वो नहीं सता पाएंगे बल्कि वो अद्भुत काम को देख के वो लोग अचंभा करेंगे। हालेलुया। इसी तरह से और बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन मैं 1-2 और बताऊंगी। पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, कैसे परमेश्वर ने उस जेलर को भी बचाया, बंदीगृह खुल गया और फिर उसके बाद वो उनका परिवार भी बचाया गया। सुलेमान ने 1000 बलि चढ़ाया और फिर उसने स्वप्न में परमेश्वर का दर्शन देखा। और पहला राजा 3:9-10 में पढ़ते हैं, तू अपने दास की प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसा शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतना बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। सुलेमान को आप पता है बहुत छोटी उम्र में राजा बन गया तो फिर उसको न्याय करना बहुत मुश्किल था। परमेश्वर से उसने बोला, अच्छा बुरा परखने का मुझे समझ दीजिए, विजडम दीजिए, बुद्धि दीजिए। ये बात परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा और उसने दर्शन में फिर उसने जो नहीं मांगा वो भी परमेश्वर ने दे दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बाइबल में दर्शन पाके फिर अद्भुत अद्भुत काम को कर दिखाया, परमेश्वर नाम को महिमा किया, उनकी जो कितना सताने वालों को भी अचंभा हो गया और पूरा परिस्थिति पलट करके दिखाया। ऐसे ही हम भी दिखा सकते हैं, अगर परमेश्वर की दर्शन हम पाएंगे, खुला स्वर को पाएंगे, हम भी अपने जीवन में ऐसे ही करके दिखाएं। हम एक और बातें फायदे देखेंगे जल्दी से, खुला स्वर्ग का फायदा क्या है। खुला स्वर्ग जब होता है तो जो परमेश्वर हमारे बारे भूल गया वो भी याद हो जाएगा। कैसे कि निर्गमन 2:23 का मैं पढ़ रहे हैं, बहुत दिन के बीतने पर मिश्र का राजा मर गया और इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंच गए।
हालेलुया, कितना 400 साल ये इजरायली लोग गुलामी किए थे मिस्र देश में, और फिर परमेश्वर, ऐसा लगता होगा उनको परमेश्वर भूल गया, लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं जो भूल गया बातों को भी दर्शन के द्वारा परमेश्वर याद करेंगे। और फिर आगे पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उनके कराना सुनकर अपनी वाचा को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। हालेलुया, आपको जब दर्शन मिलता है परमेश्वर जो भूल गया जो वाचा दोबारा स्मरण करेंगे। इसी तरह से उत्पत्ति एक में जब पूरा जल प्रलय हुआ और सब लोग वो जल समाधि हो गया, परमेश्वर ने नूह को याद किया, नूह के परिवार को याद किया। उत्पत्ति एक मैं पढ़ रही हूँ, परमेश्वर ने नूह और जितने जंगली पशु और घरेले पशु उनके संग जहाज में थे उन सभी को सुदी ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई, जल घटने लगा। हालेलुया, जितना पानी पानी भर गया था ना, वो जो पवन मतलब हवा बह गए, और फिर सारा पानी सूख गया, और फिर जहाज खुल गया, और नूह और उनके परिवार और जितने जानवर उनके सब फिर नई तरीके से दुनिया को परमेश्वर ने शुरुआत किया। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देखेंगे, जब इज़राइल में एक बार 3 साल तक अकाल पड़ गए, इतना अकाल, और लोग पानी के लिए, खाने के लिए, इवन जानवर भी ऐसे तरस रहे थे, तब परमेश्वर ने याद किया। क्यों याद किया? एलिया को दर्शन मिला, एलिया को कहा कि पहला राजा 18:1 में लिखा, बहुत दिनों के बाद 3वें वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? जाकर अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। हालेलुया, यानी कि जब खुला स्वर्ग होता है, परमेश्वर का दर्शन हमें होता है, परमेश्वर अपनी वाचा को, अपने वायदों को हमारे जीवन में याद करके, स्मरण करके फिर शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। और फिर जब खुला स्वर्ग होता है, हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाय में महसूस करेंगे। यहाँ पे देखिए कि ये 3 साल जब अकाल था, तो ये जो एलिया बहुत मुश्किल समय में था, और फिर उसने समय समय पर परमेश्वर एलिया को, क्योंकि वो खुला स्वर्ग में, ओपन हेवन में ऑपरेट कर रहा था, इसलिए किसी को नहीं पता होगा, लेकिन एलिया को पता है, परमेश्वर उनको समय समय पर उनको आदेश दे रहे। क्या कर रहे? पहला राजा 17:4 पढ़ रही हूँ, 1 Kings 17:4, उसी नदी के पानी को तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी कि वे तुझे वहाँ खिलाएंगे। एक चरित करके एक छोटी सी वहाँ पे तालाब जैसे वहाँ थे, और वहाँ पे जाओ, और फिर मैंने किसको आज्ञा दिया? कौओं को। आपको पता है कौवे छीन के ले जाते हैं खाना, लेकिन परमेश्वर जब बोलते हैं तो उनका स्वभाव भी बदल जाता है। एलिया को परमेश्वर ने कौओं को खिलाने के लिए आज्ञा दिया, और फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, कौवे ने भी देना बंद किया, और फिर वहाँ पे जो पानी था वो भी सूखने लगा। फिर परमेश्वर ने उनको बोला, जाके उस विधवा को मैंने आज्ञा की, जरेफात में एक विधवा है, वहाँ पे आज्ञा दिया, वो आपको खिलाएगी, जाओ। इस तरह से परमेश्वर का हाथ हम देखेंगे। बाहर कैसे भी क्यों ना हो, अगर आप खुला स्वर्ग में महसूस कर रहे हैं, इफ़ यू आर ऑपरेटिंग अंडर ओपन हेवन, यू विल सी द हैंड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने सेवकाई में, अपने व्यवसाय में आप देखेंगे, और परमेश्वर रास्ता खोलेंगे, कैसे अद्भुत रीति आप खुद अनुभव करेंगे। ऐसे ही इजरायली लोग जब लाल समुद्र के सामने आ गया, इस तरह पहाड़, पीछे फिरौन की सेना, इस तरह पहाड़, सामने समुंदर, कहाँ जाए, जाए तो कहाँ, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पे एक ब्रिज बनाया, एक सूखा जमीन एक ऐसे बनाया कि वो लोग आराम से इस समुंदर को इस पार से लेके उस पार तक पहुँचने पाया। ये होता है खुला स्वर्ग। और जल्दी से हम देखेंगे खुला स्वर्ग में होने से क्या होता है, हम परमेश्वर के वाणी को सुनने पाता है। एक वचन मैं पढ़ रही हूँ कि योहन्ना 10:3 में लिखा है, मेरा भेड़ मेरी आवाज़ को सुनता है, हालेलुया, और पहचानता है,
हालेलुया। और जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने वाले ले चुके थे और फिर आसमान खुल गया, और फिर हम पढ़ते हैं मत्ती 3:16-17, और यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान उतरते और ऊपर आते देखा और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये साम 37:23 में लिखा है कि मैं धार्मिक व्यक्ति का एक एक कदम को मैं ऑर्डर करूँगा, द स्टेप्स ऑफ ए गुड मैन आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। जो खुला स्वर्ग क्या होता है, हमें कदम कदम पर अगुवाई देता है, उनका आवाज़ को हम सुनते हैं और उसी प्रकार से हम चलते हैं। एक और जल्दी से हम देखेंगे, खुला स्वर्ग जो है हमें परमेश्वर का वचन को अच्छा सा, उसका मर्म, उसका जो भेद है हमारे लिए खुल जाता है जब खुला स्वर्ग होता है। एफिसियों 1:17-18 में पढ़ रही हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें बुद्धि का आत्मा और ज्ञान का प्रकाश देगा और तुम्हें मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगे कि तुम जान लो कि हमारी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों का उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ और हमारी ओर जो विश्वास करते कितनी महान है और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। यानी कि जब खुला स्वर्ग होता है हमारे मन की आंखें, हृदय की आंखें खुल जाता है और वचन की गहराई को हम समझ पाते, हमारी मन की आंखें, हमारे यीशु मसीह का प्रकाश हमारे जीवन में आता है। साम 119:119-130 में लिखा है, तेरे बातों के खुलाने से प्रकाश होता है, उसे निर्बुद्धि लोग भी समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर लाइट फोकस करते हैं आपके जीवन में, अभी तक जो आप नहीं देख रहे वो भी आप देखने लग जाएंगे, अभी तक आप नहीं सुना वो भी सुनने लग जाएंगे, अभी तक जो काम नहीं किया वो भी आप करने लग जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में क्या आ गया, वचन का प्रकाश आ गया। हालेलुया। और इसको आगे बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन समय के कारण नहीं बता रही हूँ। जब खुला स्वर्ग होता है आपका परमेश्वर का उद्देश्यों को पहचानने लगते हैं। When heaven opens, you will understand the plan and purpose of God in your life. Cornelius एक व्यक्ति था और वो यीशु मसीह को नहीं भी जानते थे लेकिन धार्मिक काम करते थे और बहुत अच्छा व्यक्ति थे, तो उसका जीवन में परमेश्वर ने दर्शन दिया। प्रेरितों का 10 में आप देख सकते हैं कैसे दर्शन दिया और फिर कैसे उसने कहा तुम जोप्पा में 3 लोगों को भेजो, वहाँ एक पत्रस करके एक व्यक्ति होता है वो आपको घर में बुलाओ, और फिर जब घर में बुलाया बहुत बड़ी बेदारी, पहली बार अन्य जातियों को वहाँ पे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ और पत्रस खुद उनके लिए एक अचंभा हुआ और अन्य जातियों के पास उद्धार आ गया और पवित्र आत्मा आ गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि वो अच्छा धार्मिक काम कर रहे थे और उनका धार्मिक काम परमेश्वर तक पहुंच गया और उनको दर्शन मिला। इसी तरह से यशायाह 6 में भी देखते हैं कैसे यशायाह ने वो प्रभु मैं जब खुला स्वर्ग देखा, 6 मैं नहीं पढ़ रही हूँ, वो कह रहे हैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य के बीच में रहता क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा की महाराजादी राज अपने आंखों से देखा। जब परमेश्वर का देखा उसको अपने आप को बहुत गंदा महसूस, जब होली स्पिरिट हमारे जीवन में आते हैं हमसे पाप से पश्चाताप करवाता है, अब उनकी महानता और हमारी धार्मिकता गंदे फटे चितड़ों की जैसे, ऐसे इस तरह से परमेश्वर क्या है कि हमारे जीवन में पवित्र करेंगे और उनके उद्देश्यों को हमारे जीवन में पूरा करेंगे और फिर हमारे अंदर जो है शुद्धता पाए जाते हैं। हालेलुया। और फिर एक बेनिफिट बता रहे हैं कि जब खुला स्वर्ग होता है हम एक सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ और स्पीड को देखते हैं। सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ और स्पीड कैसे, अपने जीवन में अभी तक सालों साल जो काम नहीं हुआ
वो होने लग जाएंगे। हालेलुया। आपको मैं ये प्रोत्साहन करती हूँ, रेवलेशन 3:8 क्लेम कीजिए, परमेश्वर मुझे खुला स्वर्ग चाहिए, मुझे अलौकिक द्वार मेरे लिए खुलना चाहिए, मेरे बंधन टूटना चाहिए। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना कीजिए, दर्शन पाइए, ज़रूर परमेश्वर आपको द्वार खोलेंगे। और फिर लास्ट में, आखिरी में मैं ये कहना चाहती हूँ, और पता है जब पेंतिकोस का दिन आया, खुला स्वर्ग हो गया आसमान से, ऐसे पेंतिकोस का, मैं प्रेरितों का 2:1-4 पढ़ रहा, जब पेंतिकोस का दिन आया तो एक जगह सब इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट की शब्द हुआ और सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से एक एक पर आ ठहरी। अब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा वो बोलने लगी और एक कलीसिया खुल गया। मतलब नई नई कुछ चीज़ें होना शुरू कर देंगे। खुला स्वर्ग से क्या होता है, द्वार खुल जाएंगे और कलीसिया पैदा हुई है। हालेलुया। और एक नई तरीके से फर्स्ट सेंचुरी चर्च, एक नई कलीसिया, सुंदर कलीसिया, परमेश्वर का कलीसिया, ये पेंतिकोस का आग के द्वारा जब खुला स्वर्ग हुआ पैदा हुई है। हालेलुया। आखिर में जब खुला स्वर्ग होता है, बहुत बड़ी कटनी होता है, बहुत बड़ी कटनी होता है। आपको पता है प्रेरितों का 2:41 में लिखा है, जब पत्रस खड़े हो गया और प्रचार करने लगा खुला स्वर्ग में, तब क्या हुआ, अतः जिन्होंने उनका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य लगभग उनमें मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेरितों का 4:33 मैं पढ़ रही हूँ, और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन पर सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह उन चेलों में और खुला स्वर्ग को उन्हें देखा। हम भी यीशु मसीह के चेले हैं, हम भी खुला स्वर्ग को देखेंगे, बहुत बड़ी कटनी को देखेंगे, आत्माओं को फल को, आत्माओं को वरदानों को देखेंगे, अलौकिक द्वार खुलते हुए देखेंगे और नए नए चीज़ हमारे जीवन में, नए नए काम परमेश्वर शुरुआत करते हुए हम खुला स्वर्ग में देखेंगे। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, हम सब देखेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को अंत करेंगे। हे परमेश्वर, हम खुला स्वर्ग के बारे में कैसे ऑपरेट करना है, उनका क्या क्या फ़ायदे हम देखा है प्रभु, हमसे विनती करते, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, हमारे ओबीडियंस को, आज्ञाकारित्व को बढ़ाते जाएं प्रभु, वचन के आधार पर अपना जीवन को हम बना के रखें प्रभु, इधर उधर कभी ना भटके, ये इनकार ना करे, बलवा ना करे, आज्ञाकारिता में रहे और तेरी विधियों का पालन करे और दर्शन को प्राप्त करके, खुला स्वर्ग को प्राप्त करके प्रभु हम बहुत बड़ी अद्भुत अद्भुत कामों को देखेंगे और अद्भुत कटनी को भी काटेंगे प्रभु। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।